Camila! Samira, इस समय गोपी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है। इनको कितने जाना है? इस समय मेरी गोपी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है, और यदि मुझे पता चला कि उसकी इस नाजुक परिस्थिति के लिए तुम जिम्मेदार हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बस समीरा, गोपी जब सीढ़ियों से नीचे गिरी थी तो उस समय जग्गी के अलावा सिर्फ तुम और तुम्हारा भाई पिंकू इस घर में मौजूद थे। हम में से और कोई मौजूद नहीं। कहानी बनाने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि गोपी के होश आने से मुझे पता चल ही जाएगा कि यह सब कैसे हुआ। और आज नहीं तो कल गोपी को होश आ जाएगा, और यदि उसके मुंह से तुम्हारा नाम निकला तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा ना दूं तो मेरा नाम कोकिला मोती नहीं। और कृष्ण भगवान न करे यदि उसकी तबीयत में सुधार नहीं आया, वो हश्र करूंगी कि तुम्हें अपनी जिंदगी से अफसोस होने लगेगा। इसे तुम मेरी धमकी समझो तो धमकी, और चेतावनी समझो तो चेतावनी। आप सही कह रहे हैं, मदर इन लॉ की हालत मेरी वजह से ही हुई। क्योंकि अगर आज वो नहीं गिरती, अगर जिस हाल में आज वो है उस हाल में आज मैं होती, उन्होंने मुझे गिरने से बचाया था और वो खुद गिर गए।
क्या बात है कोकला बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। समीरा, इस समय गोपी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है, और यदि गोपी की ऐसी नाजुक परिस्थिति के लिए तुम जिम्मेदार हो, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चुप, एकदम चुप। रोल एक्शन। चुप, चार, एकदम चुप। चुप, एकदम चुप। समीरा, मेरी गोपी जब सीढ़ियों से नीचे गिरी थी, उस समय घर में जग्गी के अलावा सिर्फ तुम और तुम्हारा ये भाई पिंकू मौजूद थे, हम में से और कोई भी नहीं था। यदि मुझे ये बात पता चली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। समीरा, देखिए वो चिल्ला रही है। देखिए दादी माँ, दाई माँ चल के आई, दाई माँ रिक्की। कोकिला जी, आप बहुत थक गई हैं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। देखिए समीरा और टीकू भी चल के आया। चार, देखिए कोकिला में चिल्लाने लगी। बोले, इस समय मेरी गोपी की जिंदगी की मौत के बीच में लड़ रही है, अगर मुझे पता चला इस परिस्थिति के जिम्मेदार तुम हो, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चल जाएगा कि ये किसने क्यों किया। देखिए डांट रही है उसको, बोले जा रही है, भगवान ना करे कि उसकी तबीयत खराब हो। देखिए बोल रही है, कोकिला जी खूब सुना रही है उसको। समीरा बोलते हैं, आप सही कह रही दादी जी। चार, मदर इन लॉ की हालत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि वो जिस हाल में थी, अगर मुझे नहीं बचाती ना, तो वो उसे मुझे बचाते हुए गिर गई। देखिए चार, देखिए बचाते हुए गोपी की देखिए गिरी, और मेरे लिए तो किसी एंजल से फोन उठाने से पहले फोन पे चार्ज मारते हैं। अरे स्क्रीन पर छोड़ो, रोल रोल एक्शन। फोन उठा, हाँ ये लुक दे, हाँ फोन पे लुक दिखाओ, कहाँ देखोगे। रोल रोल एक्शन। देखो फोन बजा, डांट रही है, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है समीरा, लेकिन एक बात समझ लो। फोन उठा, डांट रही है, मुझे सुना रही है तुम्हारी एक भी बात। आप भले मेरी बात पर यकीन न करो, लेकिन ये यही सच है, एक एक्सीडेंट हुआ था, अगर वो नहीं गिरती तो मैं जरूर गिर गई होती। चार, लाइन से, हाँ चलो, रोल रोल एक्शन। रोल एक्शन। देखो ये टर्न किया आपके तरफ। ये कृष्ण भगवान, आपका लाख लाख आभार, मेरी गोपी का रक्षा करना प्रभु। चुप, एकदम चुप। गोपी जब सीढ़ियों से गिरी थी, तब घर में जगी के अलावा मात्र तो और तुम्हारा ये भाई पिंकू चार उपस्थित थे घर में, हम सब घर से बाहर थे। इसे कहानी सुनाने का प्रयास भी मत करना। गोपी को होश आते मुझे पता चल ही जाएगा कि ये सब कैसे हुआ है। आज नहीं तो कल से होश आएगा, और यदि गोपी के मुंह से तुम्हारा नाम निकला समीरा, तो मैं तुम्हारा नाम निशान न मिटा दूं, तो
अपनी जिंदगी से अफसोस होने लगेगा। और फिर ऐसा करने से मुझे स्वयं कृष्ण भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। इसे तुम मेरा वादा समझो तो वादा, धमकी समझो तो धमकी, और चेतावनी समझो तो चेतावनी। आप सही कह रहे हैं। चलो से जान बचाई। मैं सीढ़ियों से गिरने वाली थी, उन्होंने मुझे धक्का दिया और वो खुद गिर गई। मेरी जान बचाकर आज वो इस हालत में। लाइन लाइन रोलिंग रोलिंग है गुरुजी। रोल एक्शन। क्योंकि अगर आज वो जिस हाल में है उस हाल में मैं, उन्होंने मुझे गिरने से बचाया और खुद गिर गई। मेरी जान बचाकर आज वो खुद, वो मेरे लिए किसी एंजल से कम नहीं है। चुप, एकदम चुप। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर रत्ती भर का भी विश्वास नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी गोपी को कुछ हुआ तो कृष्ण भगवान की सौगंध छोड़ूंगी नहीं तुझे। चैन से नहीं जीने दूंगी मैं कोकिला मोती, समझी कर? देखो फोन बजा। आप भले ही मेरी बात कर लेकिन मैं सच कह रही हूँ, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट दादी। हेलो से बोलना। भले ही मेरी बात का यकीन ना कीजिए दादी जी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। अगर आज मदर इन लॉ नहीं गिरती तो उनकी जगह मैं गिर जाती। देखिए सीता चल के आई दादी, डॉक्टर ने कहा है कि गोपी माँ बिल्कुल ठीक है, वो अभी सो रही है चार्ज, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो खतरे से बाहर है। क्या हो गया
जय बोलो। खुशी के मौके पर लड्डू तो बनते हैं ना, तो वो तो मोमेंट में आपने बोला था ना कि उधर रोल पास है ना। लेकिन माँ जी ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई? पता नहीं, उन्हें फोन आया, वो अरे तो ज्वाइंट में झटका नहीं चलेगा ना बप्पू, तू ये क्यों बोल रहा है ज्वाइंट में चलेगा, मतलब ज्वाइंट में चलेगा? लेकिन माँ जी ऐसे बिना बताए कहाँ गई? कोई फोन आया और बस चली गई। गोपी उनका तो फोन भी नहीं लग रहा, फिर से ट्राई करते हैं। ट्राई करना, फोन ट्राई कर गोपी। माजी क्या हुआ आपको? अरे ये सब आपको इधर पसीना क्यों आ रहा है? हे भगवान, आपकी तबीयत ठीक है माजी? हाथों पर राइट हैंड से चूसो के देखो माजी। अरे भगवान जी कुछ तो बोलिए, आखिर क्या हो गया? जंप हो गया, चल आगे चल कमल। ठीक
रिकी दाइमा माजी कुछ तो बोलिए माजी माजी मेरे तरफ देखिए माजी जोगिंदर ने बोला गोपी का सर आपने लुट लिया इधर बाहर सर इधर लुट गया आपका एक्शन एम भाई आपके लुट गए दरवाजे पे देखो खड़े हो जाओ इधर दरवाजे पीछे खड़े हो जाओ आओ जाए पकड़ा वो गोपी ने बोली इतना तो मेरी समझ में आ गया कि ये सब इस हालत में समीरा जिम्मेदार समीरा तुम हो प्लीज बता रहे माजी माजी क्या क्या किया इसने गोपी ने बोला क्या हे भगवान ये सब क्या है समीरा ये कैसा पागल बने खुद को इस तरह मारकर इल्जाम माजी पर लगाकर तुमने क्या साबित करना चाहते हो तुमने अब तक हमारी अरे भगवान से तो डरो समीरा किसी बेगुनाह को जानबूझकर धोखे से इल्जाम लगाकर तुम बहुत बड़ी पाप कर रही हो बहुत बड़ी पाप और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी हमारा परिवार किसी को मारने में नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने में विश्वास करता है फिर भी तुमने इतना घिनौना आरोप मुझ पर क्यों लगाया खुद को चोट पहुंचाकर तुम हम सबको क्यों बदनाम करना चाहती हो इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है स्पष्ट रूप से बताओ देखो फोकस नहीं सब गोपी अरे ऐसा कौन सा अन्याय कर दिया जो हमने तुम्हारे साथ अन्याय ही कर रहे हैं आप लोग मुझ पे नहीं तो मेरे हस्बैंड पे जब देखो छोटी छोटी बातों पे इससे चिल्लाना इसकी इंसल्ट करना इसे ताने देना तो मैं भी नहीं कर रही इंसल्ट का बदला इंसल्ट गोपी इस तरह का बदला लेने से क्या हासिल होगा तुम्हें समीरा हम कोई दुश्मन नहीं है रमाकांत के वो बेटा है इस घर का तुम ये सब करके अपने रमाकांत की जिंदगी को बर्बाद कर रही हो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ एक्शन
आप उनसे जितना दूर रहेंगी उतना आपके लिए अच्छा है मिसेस गोपी होगी ना। हो गया चलो रुपेश रुपेश समीर सबसे पहले जिससे पूरा मोदी खानदान डरता है कोकिला आज उनसे आपको बहुत फटकार पड़ी है बहुत जोर जोर से चला रही थी वो समीर आंटी से डरी नहीं उस वक्त नो कभी भी नहीं ना मुंह दिखाई पे डरी ना शादी करके जब आई तब डरी तो इनफैक्ट जब उनको गुस्सा आता है और उन्हें टेंशन होती है तो मैं अंदर से हंस रही होती हूँ सो बेसिकली मेरा मोटिव यही है उन्हें टॉर्चर करना और अल्टीमेटली आई वांट टू सेंड देम टू जेल। ओके समीरा क्या वजह थी जब वो इतना आप पर चिल्ला रहे थे क्या क्या किस बात बेसिकली यही था बिकॉज मैं पूरी सो मोदी फैमिली इतना रिस्पेक्टेबल फैमिली और पाठ पूजा इतने रिलीजियस हैं और बहू जो आ गई एकदम ऑपोजिट है और मैं जान पूछ कर दुनिया के सामने ये शो कर रही हूँ कि मेरे इन लॉज तो मुझे बहुत परेशान करते हैं तंग करते हैं तो मैं इसी तरह से सब उनको बस एम्बेरस करने में लगी उनके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनके सामने अपने आप को मार के कि मेरे इन लॉज मुझे मार रहे हैं मेरी दादी जी मुझे मार रही हैं ताकि उनको नीचा दिखा पाऊँ तो आई एम डूइंग ऑल दैट सो दैट टू एम्बेरस देम। कोकिला जी को फोन भी आ गया महिला संगठन से यही बाकी रह गया था आई एम श्योर नहीं अभी और भी बहुत चीज़ें आएंगी और मतलब आई एम नॉट मैं डर ही नहीं रही हूँ मतलब मैं अपने आप को चोट पहुँचा रही हूँ कि मुझे जितनी मर्जी लग जाए बट ये लोग जेल में जाने चाहिए तो मतलब अंदर से कुछ है ही नहीं डर और उसमें मेरा भाई पिंकू मेरे साथ है मेरा हस्बैंड थोड़ा थोड़ा साथ दे भी रहा है बट उसे अजीब भी लग रहा है कि ये तो बड़ी साइको औरत हो रही है धीरे धीरे सो बट हाँ इट्स डेवलपिंग नाइसली। ओके एक चाल की जो आपने चलने की कोशिश की थी गोपी ताकि आप गिर जाए और गोपी पर इल्जाम आ जाए लेकिन उल्टा ही हो गया गोपी गिर गई। आई नो आई हैव गॉट सच अ स्वीट मदर इन लॉ मैं तो पूरा ट्राई कर रही थी दैट आई एम गोइंग टू स्लिप बट बाई चांस की बात है आई वॉज वेयरिंग हेडफोन्स और मैं हेडफोन से चल रही हूँ उन्होंने मुझे कहीं दूर से देख लिया तो उन्होंने मुझे पुश किया और बेचारी खुद स्लिप करके गिर गई लेकिन आपका प्लान शायद फेल हो गया वो ठीक हो गई। हाँ आई नो मतलब बेचारी ठीक हो गई तो मेरे को तो बहुत ही बुरा लग रहा है अभी बिकॉज अगेन वील हैव टू डू समथिंग कि एक ही बारी में सब कुछ निपट जाए या तो कोई मर जाए या तो कोई जेल चला जाए मरना तो आई डोंट नो कि वो सब दिखाएंगे बट यस जेल 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 बिकॉज आई वॉन्ट टू किक देम आउट ऑफ मोदी मैंशन। ओके लास्टली हमने देखा इस सीन में आप ये कह रही हैं कि आपके पति की इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है घर में तो वो क्या था? वो नाटक ही था बेसिकली क्योंकि गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था बिकॉज वो लोग मुझे बहुत प्रोवोक करते हैं तो मैं साइको जाती हूँ बट देन अगेन पिंकू वाज लाइक प्रिया फोकस समीरा फोकस सो देन आई हैड टू लाइक कर्ब डाउन माई एंगर एंड आई हैड टू लाइक टू देम कि नहीं ठीक है ये मेरे सिर्फ पति के लिए मेरा गुस्सा है क्योंकि आप उसकी बहुत इंसल्ट करते हो तो एक तरह से मैंने जो मोहरा टाइप बनाया हुआ है
रिकी को, तो मैं वो टाइम टू टाइम यूज करती रहती हूँ. ओके लास्टली समीरा, आपके खुराफाती दिमाग में अब और क्या पलने वाला है? अभी अभी जैसे अब गोपी हॉस्पिटल में है तो मैं वही ट्राई करूंगी, क्योंकि गोपी मोदी और कोकिला मोदी की जो जोड़ी है, जब ये साथ में होती हैं तो फिर ये मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होने देती हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी कि अभी वो हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में जब तक वो हैं तब तक मैं कुछ ट्राई करूंगी कि यहाँ से मैं कोकिला मोदी को जेल भेज दूँ. चलिए थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओ भाई सब कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया करती है, पर अब आपके यहाँ से और अच्छा. रिकी, समीरा, रिंकू, वेयर आर यू गाइस? अब बोले यहां से, समीरा, रिंकू, वेयर आर यू गाइस? कितना दूर है? वहां पे भी नहीं है लोग. आप लोगों ने समीरा रिंकू को कहीं पे देखा है? एक मिनट. रोलिंग. अरे हाँ भाई, अगर पता होता तो बताने के पैसे थोड़ी ना लगते. मुझे कुछ भी नहीं. आप मुझे ये बताइए कि समीरा ने आपको कुछ इन्फॉर्म किया कि वो कहाँ जा रही है? आप सही का वो मुझे मिली नहीं, तो मेरे घर में देख जाए. क्या हुआ क्या? अरे पता नहीं समीरा को कहाँ चले गई. मैं आसपास पे देख के आपको चिता को पूछो, तो फिर वो देख के आता हूँ, फिर चिता को पूछो, उसके बाद जाऊंगा. हेलो हेलो जवान भाई, क्या तुम्हें पता है समीरा कहाँ गई है? टच मत करो सर. रोलिंग, रिकी थोड़ा सुबह करीब आओ. थोड़ा पीछे रहना. बहुत पूछ रहा हूँ कि टिंकू समीरा कहाँ है, तो
तब समझ नहीं आ रही थी बात, तब जवाब नहीं दे सकती थी। वो पेपर छीनते हो जाके पेपर छीन लो। तो तुमको भी छीनना ऐसी था उसके हाथ से। रोलिंग एक्शन। जब मैं यहाँ पे खड़े होकर पूछ रहा हूँ पिंकू से मेरा काम है, पिंकू से मेरा काम है, जब जवाब नहीं दे सकती थी। अगर तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई है तो फिर बादाम खाना शुरू करो। तुमने ही कहा था ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, जब कुछ पूछा जाए तभी जवाब दो। नहीं कर रही। अरे बस एक बार के लिए तय कर लो कि तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। तुम्हें भी पीना है तो अभी बता दो, मैं वापस नहीं बनाऊंगा। Thank you.